नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 600 स्क्वायर फुट एरिया में अगर फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो कुल कितना खर्चा होगा। ए टू जेड हम आपका टोटल बिल्डिंग मटेरियल लेबर का कॉस्ट बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आप लोग से शिकायत है, कल मैंने बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाया था जो कि आप लोग सपोर्ट नहीं किए थे, सभी के लिए वीडियो था, बहुत मेहनत से बनाए थे, तो वो वीडियो आपको एंड में दिखेगा लास्ट में, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि हम इस वीडियो में जो कुछ भी बताए हैं आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि आसपास इतना मटेरियल और खर्चा लगेगा। ये आपका टोटली डिजाइन और रिक्वायरमेंट के ऊपर वेरी करते रहेगा, अलग अलग लोकेशन मार्केट के रेट के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों, अगर लेबर रेट का बात कर ले तो फर्स्ट फ्लोर पे अगर बनाने के लिए 180 से लेकर 200 रुपया एक स्क्वायर फुट का लग जाएगा, ठीक है। तो हम कम से कम अगर पकड़ ले 200 रुपया एक स्क्वायर फुट का आपका मटेरियल नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ता है फर्स्ट फ्लोर का, तो ठीक है। तो 200 रुपया कम से कम हम पकड़े हैं, तो 600 स्क्वायर फुट में अगर घर बनाना है फर्स्ट फ्लोर पे तो 1,20,000 रुपया आपका मटेरियल लेबर के कॉस्ट के ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर मटेरियल ले जाएगा, उसका भी जोड़ के है 200 रुपये एक स्क्वायर फुट का। साथ साथ अगर मटेरियल में हम बात कर ले सीमेंट का, तो सीमेंट लमसम 200 बैग लग जाएगा, ठीक है। ऑल फिनिशिंग वर्क तक का हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, तो 400 रुपये एक बैग का कीमत है लमसम, ठीक है। 10-20 रुपया वेरी करते रहता है अलग अलग डेट में, तो 80,000 रुपया आपका पड़ जाएगा सीमेंट के ऊपर। साथ साथ अगर हम बालू का बात कर ले जो रिवर सैंड होता है, ठीक है, रेस्ट, तो कम से कम 600 क्यूबिक फुट यानी सेफ्टी बालू लग जाएगा, ठीक है। 6 ब्रश आसपास लग जाएगा। कीमत का अगर बात कर ले तो ऑल ओवर इंडिया का एक एवरेज रेट लेके चले तो लमसम 60 रुपया पड़ता है एक सीएफटी यानी क्यूबिक फुट का। तो अगर 60 रुपया से गुना कर देंगे 600 क्यूबिक फुट बालू में, तो ये 36,000 हो जाएगा। और फिर से बोल दे, बिहार में इसका रेट ज़्यादा ही पड़ रहा है, 80-85 रुपया पर क्यूबिक फुट, ठीक है। तो आइए हम गिट्टी का अगर बात कर ले, जिसको हम लोग एग्रीगेट महाराष्ट्र में खड़ी या बहुत जगह मेटल ब्लास्ट अलग अलग नाम से, लोकल नाम से लोग जानते हैं लेबर लोग, तो 500 क्यूबिक फुट गिट्टी लगेगा फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। कंक्रीट कॉलम बीम स्लैब जो भी होता है, और सीएफटी का मतलब क्यूबिक फुट होता है। और ये ब्रास में अगर क्वांटिटी को काउंट करें तो 5 ब्रास हो जाएगा 500 सीएफटी बराबर। कॉस्ट का 65 रुपया एक ऑल ओवर इंडिया का एवरेज रेट लेके चल रहे हैं, तो 32,500 रुपया पड़ जाएगा 500 क्यूबिक फुट गिट्टी का। और फिर से बोल दे, इसका भी रेट ऑल ओवर इंडिया को छोड़ के बिहार में खासकर बहुत ज़्यादा है, 90 से 95 रुपया पर क्यूबिक फुट गिट्टी का रेट है बिहार में, ठीक है। अलग अलग लोकेशन पे वैरी करते रहता है। साथ साथ अगर हम स्टील का बात कर ले तो 1260 केजी लग जाएगा सरिया, 12.6 क्विंटल और 1.26 टन्स फर्स्ट फ्लोर पे घर बनाने के लिए, क्योंकि फाउंडेशन तो बनाना नहीं है, तो इसलिए फाउंडेशन का इसमें ऐड नहीं है, केवल फर्स्ट फ्लोर पे। कॉस्ट का अगर बात कर ले तो 80 रुपया एक केजी का लमसम एक अच्छे सरिया का पड़ रहा है, ठीक है। तो 1260 केजी सरिया का 1,800 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है। और ये वेरी कर सकता है क्वांटिटी और कॉस्ट में, ठीक है, ठीक है। हम जो बता रहे हैं एक आइडिया दे रहे हैं, रफली आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको सुविधा हो जाए। और मटेरियल एक बार में नहीं मंगाना, थोड़े थोड़े करके मंगाना। साथ साथ नंबर्स ऑफ ब्रिक का यानी ईंट चीरा का बात कर ले तो फर्स्ट फ्लोर पे घर बनाने के लिए 10,800 नंबर्स ब्रिक्स लग जाएंगे। कॉस्ट का अगर बात कर ले तो ऑल ओवर इंडिया का एक एवरेज रेट ले ले 9 रुपया लमसम, ठीक है, कहीं पे 8 कहीं 7 रुपया रहता है, तो उसके अनुसार 10,800 का 97,200 रुपया पड़ जाएगा ईंट का। फ्लोर टाइल्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट का अगर बात कर ले तो देखिए, जो हमारा एरिया रहता है फ्लोर का, जितना एरिया में घर बनाना रहता है वहीं हमारा फ्लोर एरिया हो जाता है। तो 600 स्क्वायर फुट में घर बनाना है, इसलिए फ्लोर का जो एरिया है टाइल्स का 600 स्क्वायर फुट हमारा एरिया हो जाएगा, टाइल्स भी हो जाएगा 600 स्क्वायर फुट, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर ले तो बाथरूम में, किचन में
और स्टेयर वगैरह में हमारा टाइल्स लगता है, ठीक है। बहुत कोई बालकोनी में भी लगाते हैं। तो किचन, बाथरूम और स्टेयर का अगर बात कर ले तो 600 स्क्वायर फुट, एक स्क्वायर फुट में 0.31 स्क्वायर फुट टाइल्स लगेगा, तो 600 स्क्वायर फुट में हो गया 186 स्क्वायर फुट टाइल्स लग जाएगा। तो टोटल 600 स्क्वायर फुट फ्लोर का और किचन बाथरूम स्टेयर का 186 स्क्वायर फुट, टोटल 786 स्क्वायर फुट टाइल्स हो गया। कॉस्ट का बात कर रहे लेवल प्लस मटेरियल 95 रुपया, तो यह 786 स्क्वायर फुट का 74,470 रुपया के आसपास पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेंट का, पेंट यानी कि दीवार पेंट कलर करवाने का। तो फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले अगर क्वांटिटी का बात कर, जितना हमारा एरिया रहता है घर का उसका 0.14 लीटर्स लग जाता है, ठीक है, एक स्क्वायर फुट में। तो 600 स्क्वायर फुट में यह 84 लीटर्स लग जाएंगे आपका पेंट। कॉस्ट का अगर बात कर ले तो 300 रुपया एक लीटर का लमसम पकड़ के चल रहे हैं, मीडियम रेंज का पेंट का, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना महंगा पेंट लगवा रहे हैं। तो 84 लीटर का 300 रुपया के अकॉर्डिंग 25,200 रुपया पड़ जाएगा। साथ साथ देखिए लेबर कॉस्ट भी लगेगा, पेंटर का कॉस्ट तो 9,000 रुपया मान के चलिए कम से कम, ये वेरी कर सकता थोड़ा बहुत। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 25,200 रुपया प्लस 9,000, तो ये 34,200 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है, मेटल प्लस लेबर। अब बात कर लेते हैं कि मेन गेट ग्रिल लगवाने का। तो लोहे का लोग ग्रिल लगवाते ही हैं मेन गेट में, तो कम से कम 240 केजी और बनाने का 100 रुपया लेता है, 100 रुपया पर स्क्वायर फुट, तो 24,000 रुपया लमसम लग जाएगा, ठीक है, ग्रिल बनाने का। इंस्टॉलेशन कॉस्ट मिस्त्री आपका 500 रुपया ले लेगा, तो लेबर प्लस ये मिस्त्री, तो 24,500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ अगर हम बात कर ले 11वें पॉइंट में, तो वुडन का गेट और डोर विंडो, ठीक है, तो 3 दरवाज़ा कम से कम रूम और 6 विंडो, एक रूम में 2 विंडो, तो 6 विंडो हो गया, 3 × 2 = 6। कॉस्ट ऑफ 3 डोर यानी 3 दरवाजे का 7,000 रुपया कम से कम पकड़ के चल रहे हैं। तो 3 डोर का यह गेट का 21,000 हो जाएगा दरवाजे का, और इससे भी महंगा लेंगे तो इससे ज़्यादा पड़ेगा। और 6 खिड़की का 5,000 रुपया के अकॉर्डिंग 30,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यह कॉस्ट बढ़ सकता है और आपका क्वांटिटी घट सकता, बढ़ सकता, रिक्वायरमेंट के ऊपर टोटल डिपेंड कर जाता है, ठीक है। तो आप टेंशन ना ले, लमसम इतना बता दिए हैं, लोग लगवाते हैं। साथ साथ अगर बात कर ले इलेक्ट्रिकल वायरिंग घर में करवाने का विथ मटेरियल, ठीक है, तो 70 से 80 रुपया एक स्क्वायर फुट का, तो यह 42,000 रुपया आपका 600 स्क्वायर फुट में घर का वायरिंग करवाने में लमसम लग जाएगा। यह थोड़ा बहुत घट सकता, बढ़ सकता, टोटली आपका कितना रिक्वायरमेंट है, कितना कैसा मीटर लगाएंगे उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है कॉस्ट, ठीक है। तो प्लम्बर का बात कर ले तो 100 रुपये एक स्क्वायर फुट का विथ मटेरियल, तो 600 स्क्वायर फुट का यह 60,000 के आसपास पड़ जाएगा। फिर से बोल दे, प्लम्बर अगर आप लोकल करवाएंगे तो थोड़ा बहुत कम में हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा प्लम्बर करवाएंगे प्लम्बिंग तो थोड़ा बहुत कॉस्टली मटेरियल आता है, इसके वजह से बढ़ सकता है रेट। टोटल कॉस्ट अभी तक जो भी बताएं उसको एक साथ जोड़ दिया जाए तो कितना पड़ जाएगा, तो 1,20,000 तो लेबर का कॉस्ट हो गया। उसके बाद 80,000 रुपया आपका हो गया सीमेंट के ऊपर, 36,000 रुपया आपका हो गया बालू के ऊपर, 32,500 रुपया गिट्टी के ऊपर, 1,800 रुपया आपका हो गया स्टील के ऊपर, 97,200 रुपया आपका ईंट के ऊपर, 74,670 रुपया आपका टाइल्स के ऊपर, और 34,200 रुपया आपका हो गया पेंट के ऊपर, 24,500 रुपया आपका हो गया मेन गेट ग्रिल के ऊपर, 21,000 दरवाजे के ऊपर, और 30,000 आपका खिड़की के ऊपर, 42,000 रुपया आपका हो गया हाउस वायरिंग के ऊपर, और 60,000 हो गया प्लम्बर यानी प्लम्बिंग करवाने का खर्चा। तो टोटल को अगर एक साथ हम जोड़ेंगे तो दोस्तों ये 752,870 रुपया के आसपास लग जाए। इसमें थोड़ा बहुत कॉस्ट वेरी कर सकता है। तो फ्रेंड, हम आशा करते हैं कि यह हमारा बताया हुआ जानकारी आप लोगों को जरूर हेल्पफुल लगेगा, जब भी आप घर बनवाएंगे तो एस्टिमेट कॉस्ट से रिलेटेड। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।